को पता होगा कि इंडियन नेवी का जो नोटिफिकेशन था वो रिलीज कर दिया गया था, यानी कि शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था उससे 2-3 दिन पहले। उसने बताया गया था कि आप सभी का जो फॉर्म है वो 26 अप्रैल से स्टार्ट होंगे भराना और 30 अप्रैल लास्ट डेट होगी उसकी। और उसके बाद इंडियन नेवी ने एक अपना नोटिफिकेशन जो है वो भी रिलीज कर दिया है। मैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर चुका हूँ और इस नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ें दी गई है मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सभी से बताना चाहूंगा कि इसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ है। मतलब नहीं कहा जाता कि हमें नेवी वालों ने लूट लिया, ठीक है, सेम उसी तरह से ये हुआ, बहुत दिनों से चल रहा था, नेवी वालों ने लूट लिया और सच में लूट लिया दोस्तों। अगर आप वाकई में अगर सब कुछ नोटिफिकेशन में आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँ तो कुछ ऐसे नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, कुछ ऐसे क्राइटेरिया दिए गए हैं जिसको सुन करके आप भी चौंक जाओगे, ठीक है। बाकी का जो भी कुछ है मैं इस वीडियो में बताता हूँ आप सभी को, बट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत सारे डाउट इसमें है, बहुत सारे कैंडिडेट अगर इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो बहुत कुछ मिस कर जाएगा और वो बाद में जाकर के फॉर्म भरेंगे या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो फॉर्म नहीं भरने का सोच रखा है। तो मैं सब डाउट इस वीडियो में क्लियर करूँगा कि किसको फॉर्म भरनी है और किसको फॉर्म नहीं भरना, किसको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना है और किसको प्रिपरेशन बंद करके किसी और मोड पर घूम जानी है, ठीक है। बहुत सारे रास्ते हम लोगों के लिए इंडियन नेवी ही नहीं है, ठीक है, बट जो सपना होता है वो सपना होता है। तो भाई अगर जो सपना टूट जाता है और उस दूसरे सपने की अगर हमें नींद खुलती है और फिर दूसरा सपना देखना शुरू करते हैं तो असली विजेता वही होता है, ठीक है। तो इसलिए कोई बात नहीं, जो सपना था उससे टूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा सपना जोड़ देना अपने माइंड में, ठीक है, और उसको लेकर के प्रिपरेशन करना। तो इंडियन नेवी की जो भी अपडेट थी मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ आप सभी को कि ये जो अगस्त वर्ल्ड 2021 बैच की, यानी कि जो भी इसकी प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट होने वाला है, यानी कि लगभग 1 मंथ बाद आप सभी का एग्जाम हो ही जाएगा, ठीक है। 1 मंथ में आप सभी का एग्जाम हो जाएगा, 30-35 दिनों के अंदर आप सभी का एग्जाम हो जाएगा। लेकिन डबल SSR के लिए मैं मोटे मोटे बातों में बता रहा हूँ, डबल ए के लिए 500 वैकेंसीज है, SSR के लिए 2000, यानी कि टोटल ओवरऑल 2500 वैकेंसीज है। और सबसे मेन बात इसमें यह हो जाती है कि 10,000 कैंडिडेट को ही बुलाया जा रहा है क्योंकि COVID-19 पेंडेमिक की वजह से इंडियन नेवी को ऐसा करना नहीं चाहिए। जब 1.5 साल वेट करवाया ही, तो 1.5 साल जब वेट हम लोग किए तो 5-6 महीने और वेट करते, जब कोविड की जो इस महामारी की जो प्रकोप थी वो सही हो जाता, स्थिर हो जाती, तो हम लोग की वैकेंसी रिलीज करती और हम लोग बड़ा आसानी से एग्जाम देते, कोई इशू नहीं था। इतना दिन वेट किए, 4-5 मंथ और वेट करते, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इस पेंडेमिक के बीच में ही एक बहाना निकाला इन्होंने, जब देखा कि पेंडेमिक काफ़ी चरम पे है तो उन्होंने वैकेंसी निकाला और इस ये इन्होंने दिमाग लगाया कि ओनली 10,000 कैंडिडेट को ही हमें बुलाना है, यानी कि 10,000 कैंडिडेट को बुला करके हम एग्जाम लेंगे, जिससे कि मुझे जो इसका प्रोसेस है वो बहुत ही आसान पड़ जाएगा, मुझे भर्ती प्रक्रिया में उतना ज़्यादा ये नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ता है इस तरह, यानी कि जो आम आदमी करता है सिर्फ इंडियन नेवी कर रहा है इतना बड़ी संस्था होकर के। देखिए 10,000 कैंडिडेट को बुलाया है, लेकिन ये देखिए किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है यहाँ के जो स्टूडेंट है उसके साथ, इंडिया में इस तरह की बातें हो रही है। पिछला पहले जैसा प्रोसेस ला दिया है, आज से 4-5 साल पहले होता था उस तरह की प्रोसेस, अब एग्जाम को ऑफलाइन कर दिया है, 10,000 वैकेंसी, हमको लगता है कि ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। अगर इस तरह से चलेगा तो अगर आवाज़ उठाने वाला निकला तो सही, नहीं तो ऐसे ही चलते रहेगा। 10,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा रिटर्न एग्जाम्स के लिए और 10,000 कैंडिडेट में जो कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम पास करेंगे उसको उसी दिन उनका जो होता है क्या होता है PFT होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, वो हो जाएगा। क्या है फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्राइटेरिया वो मैं बताऊंगा आप सबको, कैसे उसको पास करना है, क्वालिफाई करना है, बहुत ईजी है, वो भी बताऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, इतना देर से मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि 10,000 वैकेंसी या 10,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा ओवरऑल इंडिया से, तो आप सभी को पता होगा कि 10,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा तो उसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। 12+2 यानी 12th में जो आप सभी का परसेंटेज है, वैसे तो इसमें क्लियर कर दिया गया कि डबल में आपका 60% होना चाहिए, SSR में 50% होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। लेकिन जो आप सभी को रिटेल एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जो रिलीज किया जाएगा वो आप सभी को मार्क बेसिस पे ही किया जाएगा, यानी कि कट ऑफ डिक्लेयर किया जाएगा, हमको लगता है कि 90+ ही जाएगा एक कट ऑफ, क्योंकि जिस तरह से बच्चे के मार्क आते हैं बिहार में, तो खास करके 90-95 तो अब नॉर्मल हो चुका है बिहार में, तो 90% के आसपास आप सभी का कट ऑफ जाएगा। और जो भी कैंडिडेट इससे कम यानी कि 80% से कम वाले उनको तो मैं 100% बताऊंगा कि आप फॉर्म मत भरना, 80% से कम वाले फॉर्म मत भरना, ठीक है। अगर रिक्स लेना हो 75+ एबव है तो आप रिक्स ले सकते हो, और 80% से नीचे है तो मेरे अकॉर्डिंग आप फॉर्म मत फिलअप करना, क्योंकि आप सभी का पैसा भी बर्बाद होगा, आप सब इसको यानी कि इसके माइंड में आप सभी का सेट हो रहेगा, इंडिया में भी प्रिपरेशन भी करोगे और पता चलेगा आप सभी का जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आया है। तो मैं ये नहीं चाहता किसी कैंडिडेट का टाइम खराब हो, पैसा बर्बाद हो,
तो आप सब 75 प्लस नीचे वालों का तो मैं बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि आप सब फॉर्म मत भरना, लेकिन 80 प्लस से अगर आपका है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो इजीली, कोई इशू नहीं है, हो सके तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। इसका जो क्वालिफिकेशन दिया गया, इस क्वालिफिकेशन से आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 2001 से लेकर के 31 जुलाई 2004 है, और 1 फरवरी 2001 है या लास्ट 31 जुलाई 2004 है, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, इसके बीच में हो तो आप आसानी से एलिजिबल हो, ठीक है। और बातें यही थी, मोटी मोटी बता रहा था आप सभी को कि ये एग्ज़ाम आप सभी का ऑफलाइन होगा, PFT और रिटल एक ही दिन होगा। रिटल एग्ज़ाम के लिए 10,000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जिनके 12th में 12वीं मार्क अच्छे होंगे उनको ही बुलाया जाएगा, ठीक है। तो बाकी बात ये रही मेडिकल के लिए, आप सभी जो भी कैंडिडेट बताओगे जिनका जो एलिजिबल है इसके लिए, जो PFT और रिटल क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद मैं मेडिकल के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप सभी का। तो PFT के लिए मैं बता देता हूँ आप सभी को कि 7 मिनट में मेबी 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर रनिंग होती है, बहुत ही ईजी होती है, ठीक है। उसके बाद 10 पुशअप मारना होता है आप सभी को, 20 स्क्वाट उठक बैठक मारना होता है, तो ये बहुत ईजी है, आप सभी आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। बट चिंता की बात ये है जिनका मार्क कम है 12th में, ठीक है, जिनका 65 ये सब है, जो पिछले साल फॉर्म भरते थे, जो इसका वेट कर रहे थे, जो पूरी तरह से मेहनत करके प्रिपरेशन कर रहे थे, अब एक अचानक सा इंडियन पेंडेमिक में एक नोटिफिकेशन रिलीज किया और पेंडेमिक को एक रीजन मानते हुए उन्होंने 10,000 कैंडिडेट को बुलाने का बहाना बनाया, और ये बहुत ही गलत हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग अकेला आवाज़ उठाने से कुछ हो नहीं सकता है, और ये आपको नहीं लगता है कि अब चेंजेज होगी इसमें, तो दोस्तों क्या करेगा आप सभी, एयरफोर्स का प्रिपरेशन कीजिए, आने वाले टाइम में अगर आप एलिजिबल होंगे WSSR, अगर पिछले साल फिर बैक आती है पिछले साल जैसा जो हुआ था वैसे करती है तो ठीक है, नहीं तो एयरफोर्स में बहुत सारे जॉब है, ठीक है, तो इसमें प्रिपरेशन कीजिएगा आप सब। इसके लिए अगर आप 80 प्लस है आपका तो ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा मेरे अकॉर्डिंग, बाकी बात आप सब अपने अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा काम। तो इस वीडियो में यही बता रहा था आप सभी को कि बहुत ही बड़ा चेंजेज हुआ है इंडियन नेवी कोर्स से, और मैं जान रहा था, मैंने बहुत सारे का वीडियो भी देखा, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा, पहले तो मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा बट वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा लेट आई वीडियो, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय।